ले लल्ला एक और रसगुल्ला। दादी अब मुझे कितना भी रसगुल्ला खिलाओ मैं नहीं मानूंगा और मैं बहुत जल्दी चला भी जाऊंगा। अच्छा चल तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल मेरे हॉस्टल, ठीक है? पर वो तो गर्ल्स का हॉस्टल है। हाँ कोई बात नहीं, मैं वार्डन से बात कर लूंगा। पर मैं करूंगा क्या? हाँ तू मेरा सारा काम कर लेना, ठीक है? एटलीस्ट तुझे रहने की जगह तो मिल जाएगी। और तेरी बुआ तेरे लिए इतना सब कर ही सकती है ना छोटू। तू जानता है लल्ला, एक बार तेरी रश्मि बुआ भी सामान बांध कर चली गई थी घर छोड़ के। हाँ पड़ोसियों के घर, और क्या, उसे गली में अकेले जाने में बहुत डर लगता था। एक बार रश्मि से फोन करके पूछती हूँ कि उसकी निखिल जैसे कोई बात हुई या नहीं। अस्पताल गई थी तो वहीं के वहीं हड्डियों के डॉक्टर को दिखा देती, अब दर्द शुरू हो गया ना। मुंह बंद कर अपना, फिर भिजवाएगी डॉक्टर के पास। अरे तेल लगाया है ना, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सेक कर लूंगी पर डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊंगी। हाँ बिठानी, आप जैसा कर रहे हो ना ऐसे तो अनन्या भी ना करें। माँ वो आपके कमरे में अनाथ आश्रम वाली डायरी है ना जिसमें हमने सब सामान की लिस्ट बनाई थी, वो नहीं मिल रही है माँ। अच्छा मैं देखती हूँ। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं छोटी बहू, जरा पैर सो गया था। माँ कोई जल्दी नहीं है, आप बाद में दे दीजिएगा। देखो ये दर्द बढ़ जाएगा, एक बार सिठानी डॉक्टर को दिखा दो ना। भाभी तुम रो रही हो? क्या हुआ बताओ तो सही, निखिल जी ने कुछ कहा क्या? भाभी मैंने निखिल से इस बारे में बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। क्या करूं, उन्हें तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। अब अच्छा अच्छा तुम रोना बंद करो, पहले संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कैसे संभालूं मैं, सबकी बातें तो मुझे ही सुननी पड़ती है ना। जब भी मैं निखिल से इस बारे में बात करती हूँ वो गुस्सा हो जाते हैं। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारे दादा। नहीं भाभी आप प्लीज किसी से कुछ मत कहना और दादा से तो बिल्कुल ही मत कहना। हेलो रश्मि, रश्मि सुन। बहू तू रश्मि से ऐसे क्यों बात कर रही थी, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं माँ कुछ भी तो नहीं, वो मैंने ना उसे चिढ़ा दिया थोड़ा सा तो मैं मना रही थी तो मानी नहीं, बस और कुछ नहीं, जैसी बुआ वैसा ही भतीजा। सच में तुम भी बहुत बचपना है उसमें। सच में बेटा कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ। अक्षरा आई नहीं थे। आई बेटा एक मिनट, जरा एक अर्जेंट काम कर रहा हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ पापा हो गए वन मिनट। अच्छा बाबा बताइए क्या बात है? आपको पता है बड्डी दादी की लेग्स में बहुत पेन हो रहा है। अच्छा आपसे किसने कहा? किसी ने भी नहीं, बड्डी दादी और गोपी दादी बात कर रहे थे तो मैंने सुना। आपने उन्हें डॉक्टर अंकल को क्यों नहीं दिखाया जब आप हॉस्पिटल गए थे? बेटा मुझे पता ही नहीं था। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के अपने रूम में जाती है ना तो उन्हें हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। हाँ बेटा मैं बात करूँगा उनसे, वैसे वो मनाई करेंगी लेकिन। पापा आप मुझे कभी कभी मेडिसिन गुस्सा करके खिलाते हो और कभी प्यार से, तो वैसे ही बड़ी दादी को गुस्सा कर दो। गुड नाइट नैतिक। गुड नाइट। क्या हुआ? नहीं बता सकती, कोई सीक्रेट है? अच्छा किसके बारे में ये तो बता दीजिए। बताऊंगी लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है लेकिन एक बात बता दूं आपको, बात चाहे जो भी हो उसका असर आपकी सेहत पे नहीं होना चाहिए। वरना ना मैं अपने सारे पुराने वादे भूल जाऊंगा और बात क्या है ये जानकर ही रहूंगा। ओके अब ये बच्चे भी क्या होते हैं ना नैतिक, जिंदगी बदल जाती है इनके आने से। हाँ अक्षरा
अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो इंसान कंप्लीट हो जाता है, और बच्चे होने के बाद तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। हम भी कैसे इंतजार कर रहे थे बिकू के आने का, हर पल सपने बुनते रहते थे। हाँ, लेकिन सब लोग ऐसे ही सोचते हैं अक्षरा, कुछ लोग जल्दी तो कुछ लोग थोड़ी देर में, लेकिन बच्चे सबको ही चाहिए। हाँ, हालात की वजह से अगर कोई नहीं चाह रहा है तो बात अलग है। अरे हो सकता है निखिल जी के पास भी कोई बहुत बड़ा कारण हो, इसलिए बच्चे के लिए मना कर रहे हो, या फिर शायद कुछ टाइम चाहिए उन्हें अभी। क्या हुआ, फिर से खो गए? यहाँ आके ना एक अच्छी सी हक देता, सारी चिंता दूर हो जाएगी आप। सुबह डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तब पता चलेगा कि आप हक कर सकते हैं या नहीं। ओ, अभी सुबह कब होगी? जब रात खत्म होगी तब। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ को इतनी तकलीफ है ये नहीं जानते थे आप? बाबूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दादी अपनी तकलीफ हमें बताती क्यों नहीं, छुपाती क्यों हमसे? वो शुरू से ऐसे ही है शौर्य बेटा, बिना कहे हम सबके मन का हाल जान जाती, लेकिन अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहती। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो कहें या ना कहें लेकिन हम उनका हाल जानकर ही रहेंगे। और बाबूजी, मैं क्या सोच रहा था, हम लोग दादी को नीचे शिफ्ट कर देते, ऐसे बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना तकलीफ होती होगी उन्हें। हाँ, सही बात है। उमीम, अगर तुम दोनों को ठीक लगे तो कुछ दिनों के लिए तुम लोग माँ के ऊपर वाले कमरे में रह लो, और माँ नीचे आकर तुम्हारे कमरे में रह लेंगे। जी। पुराने कमरे की तो आदत सी हो गई है हमें, अब नए कमरे में कैसा होगा सब। एक बार हमें सेठाने से भी पूछ लेना चाहिए, इतने सालों से वो उस कमरे में रह रही है, उन्हें भी तो चीजों से लगाव हो गया होगा, शायद वो माने ही ना नीचे आने के लिए। चलिए ये भी ठीक है, सही समय देखकर हम माँ से बात कर लेंगे। तुम्हें कोई आपत्ति अपना कमरा देने में? सुना ना जी। वाह, इतना अच्छा लग रहा है कमरे से बाहर निकलकर, ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही घर को ना बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। चार दिन में आपको बहुत सालों बाद लगने लग गया। लक्ष, आज का क्या प्लान है भाई? धीरे बोलो पापा, तो बुआ दादी सुन लेंगी और फिर गुस्सा करेंगी जैसे मुझे किया था। तो काम ही ऐसा करे है लल्ला। मुन्ना, जुग जुग जियो मेरे लाल, कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हूँ बुआ जी। मारा मुन्ना इतना अच्छा, इतना अच्छा है, हमारी हर बात माने है। हाँ, पर पता नहीं तारा से थोड़ा किस पे गया है, किसी की भी ना सुने है। हाँ, अरे महाराज जी, अशरक राधे कृष्ण, आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हुई, बहुत बहुत मुबारक। महाराज जी, आपके चेहरे की रौनक ही कुछ और। मुन्ना, तुम ना, अब सच्ची कहें मुन्ना, हमारे ब्याह में तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई। महाराज जी, लेकिन मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आपकी हर रस्म अच्छे से देखी मैंने। देखो, मैं जा रही हूँ और आप सब लोग मुस्कुरा रहे, मेरे जाने का दुख ही नहीं है ना किसी को। अरे चिक्की बेटा, तुम जा रही हो आज? देखो, किसी को ध्यान भी नहीं है कि आज मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा सब ध्यान है। इधर दिखाई दे मेरा, इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं है। चिक्की चाहे कितने भी दिन रहे, जब जाती है तो ऐसे लगता है बहुत जल्दी चली गई। अरे हाँ छोरी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि थारे से बात करने का वक्त भी ना मिला बनने। सचमुच? हाँ न्या, मैं आ रही। छोटी माँ, मैं निकलू? अरे अकेली जाएगी क्या छोरी? नहीं नहीं भाई साहब, सहेली के बाबूजी दोनों को हॉस्टल तक छोड़ के आएंगे, बस हमारी गाड़ी इसे अपनी सहेली के घर तक छोड़ेगी। मैं निकलू? मेरे टाइम पे तो सब लोग भागने के लिए तुले हुए थे। अपना ख्याल रखना बेटा, और मन लगा के पढ़ाई करना, और सुन, समय से खाना पीना, और कोई भी तकलीफ हो तुरंत फोन करना। बाय छोटू, आई मिस यू। अच्छे से पढ़ के आना, फिल्म तो क्या ना।
चुप है, ज्यादा बोले तो मार खाएगा। बाय मुन्ना। ध्यान रखना अपना। बाय अक्षरा। थैंक यू अक्षरा, आपने हमेशा मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, मेरी हेल्प की। आई एम वेरी लकी कि मुझे आपके जैसी भाभी मिली। आई मिस यू। अरे क्या भाभी माँ, गायत्री जी, आप लोग भी। श्रद्धा जी, साल में जितनी बार चिट्ठी जाती है ये दोनों उतनी बार रुकती है। नहीं नहीं बाबू जी, एक्चुअली डबल बार होता है। जब वो आती है तब भी तो रोते हैं, खुशी के आंसू। वो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पढ़ने गया था ना तब माँ और भाभी माँ चुप चुप के रोया करते थे। अब मैं चलती हूँ। बाय चिक्की बुआ। राधे कृष्ण। अरे वाह दीदी, अच्छा हुआ पा गई। मैं अभी हॉस्टल के लिए निकल रही हूँ। ऑल द बेस्ट। बाय बाय छोटी माँ। बाय बाय छोटू। बाय चिक्की बुआ। ख्याल रखो अपना, मैं आपको फोन करूंगी। बाय। सॉरी, ये बैग में क्या लाई? वो बुआ जी, मैंने सामान मंगवाया था रश्मि से। ले आई रश्मि? रश्मि से मैंने ही कहा था आने के लिए। मुझे लगा चिट्ठी जा रही है तो घर में सब लोग उदास हो जाएंगे। वाओ कितना अच्छा है, एक बुआ गई तो दूसरी बुआ आ गई। हाँ नक्ष, रियली वाओ, क्योंकि आपकी ये बुआ ना परसों बाद आई है ऐसे रहने के लिए। हाँ पापा, हम मिलकर ना खूब मस्ती करेंगे, क्यों है ना बुआ? आओ चलो। आज तो जैसे तैसे करके बात छुप गई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं छुप पाएगी। और वैसे भी माँ का चेहरा देखकर लग रहा है जैसे उन्हें खटका लग गया। बाप रे, क्या करते हैं नैतिक, आपने मुझे डरा ही दिया था। चुप, बस ऐसी रही मेरे पास, मेरी माँ हूँ। अक्षय आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? अक्षय, इतने दिन आपसे दूर रहकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक बात तो है, थोड़ी दूरी के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा सब लोग कहाँ? सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। एक्चुअली रश्मि कमरे में गई है फ्रेश होने के लिए और दादाजी ने अखबार पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा लेट गए। अच्छा, मतलब कुल मिला के हमारे लिए मौका अच्छा है। आपका लाडला, इनके बारे में बताना तो भूल ही गई थी मैं कि आज बहुत दिन बाद ये स्कूल जा रहे हैं और रेडी होने इसी तरफ आ रहे हैं। अच्छा मैं देख लूंगा। अरे आप ही तो अभी कह रहे थे कि दूरियों में ज्यादा मजा आता है। मम्मा, आप मुझे स्कूल के लिए जल्दी से रेडी कर दो ना। हाँ बेटा। रश्मि से बात करनी होगी। ऐसा क्या हो गया जो अचानक बैग लेकर आ गई? डुगु, गायत्री जी, कल मैंने कुछ पैसे रखवाए थे, जरा देना। गायत्री जी, क्या हुआ, कहाँ खो गई हैं आप? कुछ चाहिए आपको? आपने क्या? मैंने कहा कहाँ खो गई आप, सब ठीक तो है? जी जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिस तरह रश्मि अचानक घर आ गई, मुझे तो लग रहा है वो हमसे कुछ छुपा रही है।
अगर ये बात है तो आप साफ साफ बात कर लीजिए रश्मि से। आप तो जानती हैं रश्मि का बचपना अभी तक गया नहीं है। हो सकता है जमाई शाह ने कुछ कह दिया हो, या घर में किसी के साथ कोई अनबन, या फिर ये भी हो सकता है बिना किसी वजह के आ गई हो। आप बात कर ही लीजिए। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे बात कर लेनी चाहिए, वरना मुझे भी कहाँ चैन पड़ेगा। मैं आई। हाँ निखिल, गलत मैं ही हूँ, बाकी सब सही है। ओके, अब खुश होगे ना आप। रश्मि, क्या हुआ रश्मि? भाभी। रश्मि क्या हुआ? बताओ तो सही, क्या बात है? तुम रो रहे हो और ऐसे बैग लेकर यहाँ अचानक से आ गए? क्या हुआ निखिल के साथ झगड़ा हुआ क्या? कुछ तो बोलो, मुझे टेंशन हो रही है। बोलो ना, अगर कोई इश्यू है तो हम उसका हल निकालेंगे। क्या हल निकलेगा भाभी? निखिल तो सिद पे आ गए, उन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं। और अगर यही बात सब घर वालों को पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी, आप ही बताइए। रश्मि, माँ बाप की बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया ही नहीं। बहू तूने भी कुछ नहीं कहा, तुझे तो मैंने पूछा भी था। बेटा नहीं माँ, इससे भाभी की कोई गलती नहीं, मैंने उनसे मना किया था किसी से भी कुछ कहने के लिए। बहुत समझदार हो गई हो दोनों ननद भाभी, सब कुछ खुद संभालो, एक बार भी जरूरत नहीं लगी कि माँ को कुछ बता दे। सॉरी माँ, वो मैं माँ मैं खुद आपसे सब बताना चाहती, लेकिन नहीं बताया कि हमें बुरा लगेगा। लेकिन जो तुझे दुख पहुंचा है बेटा, उसका क्या? बार बार तुझे कहते रहे कि अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुझे कितनी तकलीफ पहुंची होगी। माफ कर दे बेटा। नहीं माँ प्लीज, ऐसे मत कहिए। लेकिन रश्मि, जमाई साहब ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं चाहिए उन्हें संतान? तुम्हारी शादी को तो कितने बरस हो गए हैं, अगर अब बच्चा नहीं पैदा करोगे तो कब करोगे? अगर तू कहती है तो तेरे बहूजी और मैं जमाई साहब से बात करते हैं। क्यों बहू, ये कैसा रहेगा? मैं इनको कहती हूँ आज शाम को हम जमाई साहब से मिलाएंगे। नहीं बाप, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। प्लीज चिंता मत कर बेटा, हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे। लेकिन माँ, अगर निखिल को अच्छा नहीं लगे कि मैंने वहां बात यहाँ कर दी। नहीं माँ, रश्मि ठीक कह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बनने के बजाय बिगड़ जाए। लेकिन बेटा, जो मैं कह रही हूँ वो गलत नहीं है। अगर एक बेटी अपने माँ बाबूजी को अपना दुख नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? और हम वहाँ आराम से बात करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। नहीं माँ, लेकिन उन्हें तो लग सकता है ना। हाँ प्लीज, किसी से कुछ मत कहिएगा, मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। बेटा तू जिद कर रही है। माँ बचपन से लेके आपने मेरी हर जिद मानी है ना, इसे जिद भी मान जाइए। बता मुझे, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए। रश्मि तो पूरी तरह से जिद पे अड़ गई है, इसलिए उसको भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे सच में लगता है कि उसके और जमाई साहब के बीच कोई बड़ी बात हुई। वो सब अपने तरीके से करना चाहती है तो ठीक है, हम घर में किसी को नहीं बताते हैं, और मुन्ना के बाबूजी को भी मैं कुछ नहीं कहूँ। लेकिन बेटा, हमें जाकर वहां बात जरूर करनी चाहिए। लल्ला का स्कूल उनके घर के पास है ना, तो उसे स्कूल छोड़कर किसी बहाने से वहाँ हुआ है। नहीं माँ, रश्मि ने मना किया है ना, तो मुझे लगता है हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। बेटा तू तो जानती है उसे, अगर उसके बस की ये बात होती तो अब तक उसने बात कर ली होती। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होगी अपने सास ससुर से बात करने की। लेकिन मैं तो माँ हूँ,
अधिकार है मुझे कि अपनी बेटी की खुशियों के बारे में बात करूं? हाँ माँ, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। अभी हमें बात नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए थोड़ी देर। प्लीज आप ऐसे घबराइए मत। बेटा अब मेरा मन नहीं शांत हो सकता। माँ, बेटा हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब मैं चुप नहीं रह सकती। रश्मि को कहती हूँ उन्हें तुरंत लेके यहाँ आए या हम वहाँ चलते हैं, लेकिन इस चीज को आज के आज निपटाओ। माँ मेरी बात सुनिए। बेटा देखिए, ऐसा करने से कहीं हम रश्मि के लिए मुश्किलें और ना बढ़ा दें। मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ, लेकिन हमारे ऐसे करने से कहीं आगे के सारे रास्ते बंद ना हो जाए। इसी बात का तो डर है बहू, कहीं वो पगली आगे के रास्ते बंद ही ना कर दे। इस तरह कोई अपना घर छोड़ के मायके आता है क्या? एक बार पहले भी उनका रिश्ता टूटते टूटते बचा है, और अभी ये, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है बेटा, कोई अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा माँ, हम सब है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे, आप घबराइए। अच्छा तू तो बात कर उससे, वो तेरी बात सुनती है, तू समझा उसे कि इस तरह घर छोड़ के नहीं आते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।